Hello everyone, welcome back to the Way to English Literature. I hope you are all good and doing best in your studies. Topic is an apology for poetry. So this topic is very relevant for examination, not only for examination of point of view in your UGC NET, but if you also qualify this exam, then also for bachelor student and for post graduation student, ye topic bahut important hai. PGT ke liye और DSSB के लिए भी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स सी दिस टॉपिक एंड अपोलॉजी फॉर पोएट्री. सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेडली एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन नॉट ओनली दैट विल क्लेरिफाई योर डाउट्स, बट ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज़रूरी है. 2021 में आई विल बी एडिंग स्मॉल क्लिप्स, आप वो क्लिप्स से हेल्प ले सकते हैं. In 2021 examination recently, an apology for poetry Sydney discussed the didactic function of poetry by comparing it to philosophy and किससे compare किया है, philosophy के साथ इसको compare किया है with history. Then next question जो पूछा गया है वो पूछा गया है, Sir Philip Sidney have written essay on defense of poetry. फिर ऑप्शंस हैं जैसे कि सर फिलिप सिडनी, पी बी शैले, मैथ्यू आर्नॉट या टी एस एलियट. ऐसे कौन से दो राइटर्स हैं जिन्होंने ऐसे लिखा है डिफेंस ऑफ पोइट्री पे? वो दो राइटर्स हैं सर फिलिप सिडनी एंड पी बी शैले, उनका भी है डिफेंस ऑफ पोइजी के ऊपर. रिमेंबर दैट. देन अनदर क्वेश्चंस, फिलिप सिडनी रोट एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री इन एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू, किसे इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए लिखा था? करेक्ट आंसर इज स्टेफन गुसॉन, द स्कूल ऑफ अब्यूज. सो लाइक दिस यू गेट, हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है एवरी टाइम इन यूजीसी नेट, चाहे एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो डोंट फॉरगेट दैट This topic is very relevant, very important. So let's start. Sir Philip Sidney wrote this work around 1580 and published this work posthumously around 1595. Let's read about Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney was actually born in 30 November 1554, Kent, England. में जन्मे हैं ये. And on 17 October 1586, at the age of 31, he died at Zuffen, Netherlands. He was remembered as the first English critic of English Renaissance. Hum inko jante hain as the first English critic of Renaissance. He was the well-known and renowned prominent poet figure of an Elizabethan age. जब आप एलिजाबेथन एज पढ़ते हो, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एलिजाबेथन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन एरा और गोल्डन एज इन आवर इंग्लिश लिटरेचर. सो एवरी सिंगल पोएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल राइटर यू शुड रिमेंबर दैट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्रोनोलॉजिकली आपको हर एक, ये एलिजाबेथन एज तो आपको टिप्स पर रेडी होनी चाहिए. हर बार आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि ये एज स्टार्ट हुई थी 1558 से लेकर 1603 में. सो द फिलिप सिडनी राइटिंग, जो इनका जेनर था, राइटिंग स्टाइल थी, दैट इज मेनली सोनेट राइटिंग, पेस्टोरल, रोमांस एंड ट्रीटाइज. दीज आर जनरल राइटिंग इन दिस जेनर ही यूजुअली रोट. लिटरेरी मूवमेंट्स जिससे ये बिलोंग करते थे फिलिप सिडनी, दैट इज इंग्लिश रेनेसा एंड पेट्राकिज्म. आई विल कवर दिस टॉपिक पेट्राकिज्म इन अनदर वीडियो. सो ये याद रखो बस कि फिलिप सिडनी इंग्लिश रेनेसा से, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको फर्स्ट, सो इस वजह से ये इंग्लिश रेनेसा लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं एंड पेट्राकिज्म. सो व्हाट इज पेट्राकिज्म, आई विल कवर इन अनदर वीडियो. विलियम ए रेंगलर, ही यूज्ड टू से, इन्होंने विलियम ए रेंगलर ने क्या बोला है सर फिलिप सिडनी के बारे में, उन्होंने कहा है फिलिप सिडनी इज द मॉडल ऑफ परफेक्ट पोएट्री. ही कंसिडर्ड him as the epitome of English gentleman soldier. ये as a English soldier soldier and gentleman कहलाते थे. Because of his short, इन्होंने अपने जीवन के बहुत short समय में इन्होंने कविताएं work भी लिखे हैं, और इन्होंने अपने life के बहुत छोटे समय में, at the age of 31, he also contributed for his country. So as a soldier and as a writer, as a perfect English gentleman, he was known for as the best renowned writer of Elizabethan era. अगर हम आगे देखें हिज लिटरेरी करियर,
bears the stamp of paradox. Because सिडनी did not think himself as primary as writer. इन्होंने अपने आप को कभी भी as a writer नहीं देखा. But इनकी जो life थी वो बहुत ही कम devoted थी toward writing. As he died in 1586 because of an infected left thigh. तो इनकी battle में इनकी left thigh पर wound obtain होने की वजह से in a battle Spanish in Netherland और वो जो battle हुई थी that is outside of Zezufen. And this battle led on 17 October at the Arnhem, वहाँ पे इनकी death होती है because of wound in his left thigh. तो ये अब अगर हम पढ़ें defense of poesy के बारे में, the defense of poesy. So actually, जो defense of poesy was published under two different titles. तो हमें basically ये याद रखना है इसकी दो title में published हुई है. अगर आप ऐसे बोलते हो defense of poesy, then it is also by Philip Sidney. और अगर हम बोले an apology for poetry तो भी सेम ही बात हो रही है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि माफ़ी मांगना apology का मतलब. But he was defending poetry from the attack of Stephen Guson from School of Poesy. अगर आप ये याद रखिए कि ये ना ही पोइट्री के फॉर्म में ना ही किसी और के फॉर्म में, दिस वर्क इज एक्चुअली रिटन इन फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. जिस वजह से हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं, ये वर्क एक्चुअली एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है. और इसे हम कई बार गूगल पे अगर आप विकिपीडिया पे पढ़ते हो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ते हैं तो इसके आगे हम इसे भी बोल सकते हैं इट इज़ एन एसे फॉर्म, एसे के फॉर्म में भी बोल सकते हो आप. सो बेसिकली रिमेंबर दैट इट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इन फॉर्म ऑफ एसे. अब इसका जो पब्लिकेशन डेट है इट इज रिटन अराउंड 1580 एंड पब्लिश पॉसिथॉमसली अराउंड 1595 आफ्टर हिज डेथ. It is response to Stephen Guson's School of Abuse. He does not signify the name of Stephen Guson or School of Abuse में इस work में इसके बारे में नहीं बोला. But इन्होंने इनके जो charges Stephen Guson ने जो charges लगाए उनको इन्होंने बहुत ही अच्छे से defend किया है. तो इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है जो scholars है वो अनुमान लगाते हैं it was the direct reply to School of Abuse. सो स्टेफन गुसोन ने कुछ कुछ चार्जेस लगाए हैं पोइट्री के ऊपर. दैट चार्जेस आर लाइक स्टेफन गुसोन सेड दैट पोइट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम. फिर इन्होंने कहा पोइट्री इज मदर ऑफ लाई. देन ही ऑल्सो सेड दैट इट इज नर्स ऑफ अब्यूज एंड प्लेटो हैज राइटली बैनिश पोइट फ्रॉम आइडल वर्ल्ड. तो इन्होंने कहा प्लेटो ने सही किया कि पोइट को बैनिश करके फ्रॉम आइडल वर्ल्ड. कौन बोल रहा है, उन्होंने बोला कि पोइट्री एक वेस्ट ऑफ टाइम है, पोइट्री मदर ऑफ लाई है, पोइट्री नर्स ऑफ अब्यूज है एंड प्लेटो ने बहुत अच्छा किया पोइट्स को बैनिश करके फ्रॉम आइडल वर्ल्ड. सो दिस आर चार्जेस बाय स्टेफन गुसोन. लेट्स सी हाउ फिलिप सिडनी क्लरिफाई और डिफेंड कैसे करते हैं. जो रिप्लाई है ऑब्जेक्शन है मेड बाय गुसोन, उन्होंने एम्पीथेटिकली बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है फिलिप सिडनी ने अपने वर्क में. जैसे कि सबसे पहले फिलिप सिडनी ने स्टेट किया है काइंड्स ऑफ पोएट्री, जैसे कि काइंड्स पोएट्री के कैसे कैसे काइंड्स हैं. रिमेंबर दैट रिलीजियस पोएट्री होती है, सम आर फिलोसॉफिकल पोएट्री और सम आर इमेजिनेटिव पोएट्री. सो दीज आर टाइप्स ऑफ पोएट्री कैटेगराइज बाय फिलिप सिडनी इन हिज वर्क. अगर हम देखें तो डिफेंस जो फर्स्ट चार्ज है वेस्ट ऑफ टाइम, इन्होंने स्टेफन गुसोन ने ये बोला कि पोएट्री एक वेस्ट ऑफ टाइम है. तो इन्होंने फर्स्ट चार्ज को क्लेरिफाई किया है. ही सेज दैट मैन कैन नॉट एम्प्लॉय हिज टाइम मोर यूजफुली देन पोएट्री. उन्होंने कहा है कि मैन जितना अगर पोएट्री में अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा वो यूजफुली यूज कर रहा है. बिकॉज नो लर्निंग इज सो दैट टीच इट एंड मूव टू वर्च्यू दैट नन कैन बोथ टीच वर्च्यू एंड देयर थ्रो एज मच ऑफ पोएट्री. तो इन्होंने ये बोला है कि पोएट्री दोनों काम करती है, हमें टीच करती है वर्च्यू एंड हमें क्या सिखाती है उसके साथ हमें डिलाइट करती है. सो इट इज डूइंग बोथ वर्क, साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है, हमें टीच भी कर रही है और जो अगर सॉलिटरी टाइम में हमें साथ साथ में हमें ये भी सिखाती है कि अपना टाइम कैसे यूज करना है. तो यही बात बहुत टाइम पहले हॉरेस राइटर ने, उन्होंने भी सेम बात बोली थी. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम. हॉरेस एक्चुअली सेड दैट पोएट्री टीचेस अस एंड डिलाइटेड अस, ये हॉरेस ने कहा था. और सेम बात किसका एग्जांपल दे रहे हैं कवि यहाँ पे, हॉरेस का एग्जांपल देते हुए रोमन राइटर है हॉरेस, ही गिव हिज एग्जाम्पल और उनकी ही बात को इन्होंने सच कहा है कि पोएट्री हमें दोनों करती है, टीच भी करती है और डिलाइट भी करती है. फिलिप सिडनी यूजेस क्लासिकल राइटर फॉर हिज क्लैरिफिकेशन के लिए लैटिन एंड इटालियन राइटर.
फॉर क्लरिफिकेशन एंड डिफेंस लाइक हॉरर्स। और ये एग्जाम में आ चुका है दोनों, कि यथार्थ फर्स्ट चार्ज से हटाया था। एंड सेकंड, इफ वी रीड सेकंड चार्ज मदर ऑफ लाइज, तो मदर ऑफ लाइज के लिए ही सेज दैट ऑल राइटर अंडर द सन द पोएट इज लीस्ट लायर। पोएट को हमने लीस्ट लायर कहा है। एंड द पोएट क्रिएट समथिंग बाय इमोशन और इमेजिनेटिव। उन्होंने क्यों बोला है कि पोएट्स आर लीस्ट लायर, बिकॉज वो इमोशन से और इमेजिनेशन से क्रिएट कर रहे हैं, लाइक हैरी पॉटर, लाइक एनी वर्क दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम इमोशन, जैसे कि स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो ऑफ इमोशन, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अगेंस्ट विच नो चार्ज ऑफ लाइन कैन बी ब्रॉट, ही गेव एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरियन। अभी यहाँ पे अपने क्लरिफिकेशन के लिए जो राइटर है फिलिप सिडनी, वो एग्जाम्पल देते हैं हिस्टोरियन का, वो एग्जाम्पल देते हैं फिजिशियंस का, वो एग्जाम्पल देते हैं एस्ट्रोनॉमर्स का। हिस्टोरियंस होते हैं, दे आर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स क्लेम करते हैं। फिजिशियन जो होते हैं वो भी फॉल्स क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये 100%, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन कोरोना हमने, उन्होंने मेडिसिन पे क्लेम किया था कि ये मेडिसिन आपको कोरोना से बचाएगी, पर एक्चुअली में 3 वैक्सीन लगने के बावजूद भी उसके साइड इफेक्ट्स एंड अभी तक हमें कोरोना से खतरा है। सो इट इज सेफ फ्रॉम यू फ्रॉम फेटल डिजीज। एंड एस्ट्रोनॉमर का ये बोलते हैं कि वो भी फॉल्स क्लेम करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ सेलेस्टियल थिंग अराउंड अस इन यूनिवर्स, पर वो सब फॉल्स होता है एक्चुअली। बट ये क्लेम पोएट तो नहीं करते, कवि तो नहीं करते, बट वो अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं। ही सेज टू टेल नॉट वॉट इज और वॉट इज नॉट, बट वॉट शुड और शुड नॉट बी। तो इन्होंने ये कहा है कि वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे आगे पीछे क्या है, हमारा इमोशन क्या है, उसके लिए आप पोएट को लायर नहीं कह सकते। पोएट ही नथिंग अफर एंड देयरफॉर ही नेवर लाइड, पोएट कुछ गारंटी नहीं करते, जैसे कि फिजिशियन की तरह, एस्ट्रोनॉमर की तरह, हिस्टोरियन की तरह, कोई भी गारंटी नहीं करते, प्रूफ नहीं करते, इसलिए कुछ बोलते नहीं, इसलिए वो कभी लाए नहीं करते। थर्ड चार्ज को इन्होंने नर्स ऑफ अब्यूज कहा है, स्टेफन गुसोन ने। तो थर्ड चार्ज का जो रिप्लाई है फिलिप सिडनी वो देते हैं, पोएट्री डजंट अब्यूज मैन विट, मैन की विट को कभी पोएट्री अब्यूज नहीं करती है, कभी भी हमारी जो बुद्धि है भ्रष्ट नहीं करती, हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। लियोर द माइंड ऑफ पीपल, ये हमें क्या करती है, डज नॉट लियोर द माइंड, करप्ट नहीं करती। लियोर का मतलब क्या है, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन के माइंड को करप्ट नहीं करती, सिनफुल एक्ट्स नहीं सिखाती। इसका एग्जाम्पल इन्होंने ये लिखा है, जो डबल कोटेशन में लिखे हुए हैं वो वहां से बुक से डायरेक्टली उठाए गए हैं, तो ये याद रखना। इन्होंने बोला था इन्फेक्टिंग अस विथ मैनी पैसिटाइन डिजायर और विट, ये हमें इन्फेक्ट नहीं करती, ये मतलब पोएट्री हमें इफेक्ट नहीं करती फालतू डिजायर के साथ और फालतू चीजों के लिए। ऑल आर्ट्स एंड साइंस मिस यूज एंड हैड इविल इफेक्ट, उन्होंने बोला कि सारी चीजों में गलतियां होती है भाई, साइंस में भी गलतियां हैं, आर्ट्स में भी गलतियां हैं, बट Didn't means that हमें वो पढ़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स पढ़ना बंद कर दो, साइंस लेना बंद कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यूबल नहीं है। इन्होंने ये कहा कि वो वैल्यूबल है, बट कोई ना कोई चीज़ में खराबी होती है। अकॉर्डिंग टू सिडनी इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पोएट्री बट द पोएट, अब उन्होंने ये कहा कि ये कविता की प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ चीप राइटर, कुछ चीप पोइट्स की कवि है कि उन्होंने ऐसा भद्दा या गलत लिखा है जिससे आपको ऐसा गलत सोचने के लिए मिला पोएट्री के बारे में। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मेटाफोरिकली एग्जाम्पल दिया है स्वार्ड का। ही से स्वार्ड के दो यूज है, या तो आप किसी को स्वार्ड से मार दो या तो अपने डिफेंड कर लो। उन्होंने बोला है विथ अ स्वार्ड दाउ मेस्ट किल दाय फादर, या तो तुम अपने फादर को मार सकते हो और या तो उसी स्वार्ड से आप डिफेंड कर सकते हो अपने प्रजा को, अपने कोटसी को, अपने प्रिंस को। सो ही एक्सप्रेस द ड्यूअल यूज ऑफ स्वार्ड, तो यहाँ पे स्वार्ड का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है फॉर डिफेंडिंग पोएट्री इन थर्ड पार्ट। अब नाउ फोर्थ चार्ज में ये क्या करते हैं, फोर्थ चार्ज में स्टेफन गुसोन ने बोला था कि प्लेटो ने बहुत सही किया बैनिश करके पोएट फ्रॉम द आइडल रिपब्लिक। तो इन्होंने ये बोला है, ही रिप्लाई इट इज नॉट टेंजेबल बिकॉज प्लेटो सॉट टू बैनिश अमोरल पोएट्स, उन्होंने बैनिश किस राइटर को करने के लिए बोला था, किन कवियों को बोला था जो अमोरल है, जो मॉरल नहीं है, जिनके जो आइडियाज है एथिकल नहीं है,
वो भ्रष्ट है, वो करप्ट है, उनको हटाने के लिए बोला था। फ्रॉम हिज टाइम, अपने टाइम के कवियों को जो भ्रष्ट हुए हैं। फ्रॉम एन आइडल रिपब्लिक एंड नॉट पोएट्री इट्सेल्फ, ये नहीं बोला था कि पोएट्री को बिल्कुल हटा दो, खत्म कर दो। उन्होंने पोएट्री के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी बोली है, जैसे कि पोएट्री हिमसेल्फ, प्लेटो ने कहा है कि पोएट्री हिमसेल्फ ही बिलीव दैट पोएट्री इज डिवाइन इंस्पायर, हमें डिवाइनली इंस्पायर करती है। जैसे कि इन्होंने आयंस का एग्जाम्पल दिया था, इनका एक वर्क है आयंस, उनका उसमें से एग्जाम्पल दिया है प्लेटो का। प्लेटो ने बोला है पोएट्री गिव अस हाई एंड राइटली डिवाइन कमेंसेबल टू द पोएट्री, पोएट्री गिव अस हाई एंड राइटली डिवाइन कमेंडेशन टू द पोएट्री। जैसे कि इन्होंने बोला है पोएट्स के बारे में अ लाइट विंग एंड सेक्रेट थिंग, तो इन्होंने बोला है कि पोएट कैसे होते, एक लाइट विंग्स की तरह है और एक सेक्रेट थिंग की तरह है, रिलीजियस थिंग की तरह है। सो ही सैड वेरी गुड थिंग्स अबाउट पोएट, आप नेगेटिव बातों पे मत जाइए, फिलिप सिडनी ने कहा है। ही ऑल्सो सपोर्टेड राइटर, बट उन राइटर को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया जो अनएथिकल है। फिलिप सिडनी नाउ सेज सो एज प्लेटो बैनिश अब्यूज नॉट द थिंग, उन्होंने बैनिश किया है उन चीज़ों को जो सही नहीं है, नॉट बैनिशिंग इट, ना कि ये कहा है कि पोएट्री को पूरा बर्खास्त कर दो, बट गिविंग ड्यू ऑनर्स ऑन टू इट शैल बी आवर पैट्रॉन, पर उनको भी रेस्पेक्ट दी है, ऑनर दी है, जो अपने पैट्रॉन है, अपने फोर फादर है, उनके बारे में उन्होंने बुराई नहीं की है, नॉट एडवर्सरी, ना ही उनके बारे में बुराई की है, बट उनको ऑनर रेस्पेक्ट भी दिया है प्लेटो ने। सो यहाँ तक तो हमने समझा के कैसे राइटर ने डिफेंड किया है पोएट्री को। अगर हम रिवाइव करें वापस से, कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने डिफेंड किया है, फर्स्ट चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम, देन अ मदर ऑफ लाई, देन उन्होंने बोला है नर्स ऑफ अब्यूज, उससे डिफेंड किया है, देन फोर्थ इज पोएट शुड बी बैनिश फ्रॉम आइडल रिपब्लिक, उसका उसके लिए उन्होंने आयन का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कुछ कोटेशंस दिए हैं। सो रिमेंबर दैट, और इनका नोट्स बना लीजिए। अब इन्होंने जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 2021 में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि फिलिप सिडनी ने कौन सी ऐसी थिंग है जिससे कंपेयर किया है डायडेक्टिक मॉरल चीज़ों के लिए, मॉरल या वर्च्यू के लिए किससे कंपेयर किया है। कंपेरिजन ही डन विथ हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी, इन दो से कंपेयर किया है। तो वहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ था, हमारे पास फिलोसॉफी था और उसके साथ साथ हमें हिस्ट्री करना था ऑप्शन में। Is that first point में इन्होंने कहा है जो फिलोसॉफी है डील विथ इट्स थियोरिटिकल एस्पेक्ट एंड टीच अस वर्च्यू बाय द प्रिसेप्ट, हमें प्रिसेप्ट और परसेप्शन से वर्च्यू सिखाती है। जैसे कि फिलोसॉफी के बारे में बोला इन्होंने अनहर्ड अटरेंस एंड मिस्ट्री टू बी कंसीव्ड, हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बोला है डील विद द प्रैक्टिकल वर्च्यू, ये किससे डील करती है, थियोरिटिकल एस्पेक्ट के साथ, और ये डील करती है प्रैक्टिकल वर्च्यू जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, और किससे एग्जांपल देती है, हमें कंक्रीट एग्जांपल देती है लाइफ का। बट पोएट्री क्या करती है, दोनों का काम करती है, ये थ्योरेटिकल भी दे रही है आपको और प्रैक्टिकल भी दे रही है, ये आपको थ्योरेटिकल भी ज्ञान देती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देती है। पोएट्री गिव परफेक्ट पिक्चर ऑफ वर्च्यू विच आर अ फार मोर इफेक्टिव देन मियर डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, इट ऑल्सो गिव इमेजनरी एग्जाम्पल विच आर मोर इंस्ट्रक्टिव, इमेजनरी एग्जाम्पल देती है, जैसे कि हमें कॉलरिज की फैंसी एंड इमेजिनेशन से डिफरेंस देखने को मिला, एंड मोर इंस्ट्रक्टिव दैन रियल एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री, रियल एग्जाम्पल से ये ज़्यादा हमें इंस्ट्रक्टिव है, ये कहा है राइटर ने। राइटर ने उसके साथ साथ ये कहा है रिवार्ड ऑफ वर्च्यू, पोएट्री हमें क्या करती है, उसके साथ साथ रिवार्ड ऑफ वर्च्यू देती है, एंड इट ऑल्सो गिव पनिशमेंट ऑफ वाइज एंड मोर क्लैरिफिकेशन इन द पोएट्री देन हिस्ट्री, हमें पोएट्री से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलती है लाइफ के बारे में देन हिस्ट्री, हिस्ट्री में कुछ प्रूव नहीं होता तो भी हम उसे रीड करते हैं, कई बार हमें एविडेंस नहीं मिलते, सो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला पोएट्री इज सुपीरियर टू द फिलोसफी। अब उन्होंने क्या डिफेंड किया फिलोसफी के साथ, यहाँ तक हमने हिस्ट्री के साथ डिफेंड देखा था, इन्होंने कहा पोएट्री इज सुपीरियर देन फिलोसफी इन द सेंस दैट इट हैज़ पावर टू मूव and to give incentives for virtuous action, because ये virtuous action के लिए हमें क्या दे सकती है, power दे सकती है और उसी action को करवाने के लिए instruction दे सकती है। So he says that poet is therefore monarch of all knowledge, ये भी question exam में आ चुका है, remember that these all question have already asked, और हो सकता है इनमें से कोई भी एक question अभी बन जाए,
तो इन्होंने ये कहा है कि पोएट जो है वो एक मोनार्क, एक राजा की तरह है, ऑफ ऑल नॉलेज, फॉर ही डज नॉट ओनली शो द वे, हमें सिर्फ पाथ नहीं दिखाते, बट इट गिव्स सो स्वीट एज अ प्रोस्पेक्ट इन टू द वे एज विल एंटराइज एनी मैन इन टू एंटर इन टू इट. तो ये सिर्फ हमें रास्ता नहीं दिखाते बट उसका स्वीट फ्रूट भी देते हैं एक मैन की लाइफ में. सो यहाँ तक हमने कवर किया है पूरा फिलिप सिडनी का वर्क. इफ यू वॉन्ट टू रीड अबाउट द लाइफ ऑफ फिलिप सिडनी इन डिटेल, सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो. और क्योंकि कई बार राइटर्स की लाइफ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो. सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन डाउनलोड PDF ऑफ दिस from my Telegram channel. Thank you so much. Have a nice day and all the best for your exam.